प्लेट खाली है दवा पानी ओके सो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड अभी करीब 10 बज चुका है एंड वी आर अबाउट टू लीव और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि 7 बजे तक का हम लोगों को निकलना था बट राइट नाउ इट्स ऑलरेडी 10 सो लेट्स सी क्या होता है एंड वी हैव टू कवर लाइक 411 किलोमीटर्स इन ऑल टोटल एंड मेरे पीछे रोहित है भाई बहुत मेहनत से ब्लॉग कर रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब है ना एकदम and he also has a channel and Hrithik also has a channel so their channel link will be in the description box so yeah that's all and abhi jitna jaldi ho sake na yahan se niklenge and I guess aaj se hi pahad dekhna chalu ho jayega and the second one is Jalda Part so yeah it is going to be very amazing right actually 3 Hasimara National Park oh yeah Hasimara National Park so there are 3 and we are going to cross 2 rivers I guess right we are going to cross 2 rivers also so yeah and so it will be and ठीक है वो वहाँ पे जाकर दिक्कत नहीं है तो बस यही है एंड अभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे एंड अभी निकलेंगे अभी बहुत देर हो चुका है या 10:30 ऑलमोस्ट बजने वाला है हाँ 7 बजे तक का हम लोगों को निकलना था सो एनी वे द थिंग इज आज का राइड बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि जंगलों के बीच में से हम लोग जाएंगे सो या सो लेट्स सी क्या होता है ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन सी सम एलिफेंट्स ऑल्सो या Let's go. Okay, so we are starting our journey for today. And right now it's 10:46. तो अभी द थिंग इज हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स हाशीमारा और वहाँ से हम लोग जाएंगे जोल्दापाड़ा नेशनल पार्क होके जोल्दापाड़ा एंड नेशनल सॉरी जोल्दापाड़ा एंड बॉक्सा फॉरेस्ट होके हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स भैरव कुंडा सो या ओके सो आई गेस इट इज़ रिकॉर्डिंग एंड अभी हम लोगों ने जोल्दापाड़ा राइट जोल्दापाड़ा अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू पुट माय कैमरा ऑन माय बैक और यहाँ से हम थोड़ा सा फुटेज वगैरह लेंगे सो दैट्स द थिंग So Jolapada we have already crossed a long time back I mean that national park abhi shayad hum log Baksa ke taraf ja rahe hain I'm not sure yaar I used to be good with maps but pata nahi ye kya ho gaya mere sath main sab bhul ja raha hu aajkal bahut jaldi anyway agar kuch bhi corrections rahega to wo to hum zarur bata denge aap logo ko
बट दिस रोड इज़ लाइक यू नो टू मच स्मूथ एंड आई एम क्रूजिंग ऑन अ वेरी गुड स्पीड. दोस्त लोग सब लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, दे हैव बिगर सीसी बाइक, सो वो लोग कभी भी मेरे को ओवरटेक कर सकता है. सो या आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस राइड एंड आस पास का व्यू भी बहुत ही बढ़िया है. यू कैन सी दिस पैडी फील्ड्स ओवर हियर एंड ओवर हियर, आई मीन ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, ऑन माई राइट हैंड साइड, और बीच में से ये ऐसा सुंदर वाला कर्व वाला रास्ता. एंड दिस अनदर फॉरेस्ट इज, ये क्या कर रहा है, दिस अनदर फॉरेस्ट इज स्टार्टिंग राइट नाउ आई गेस, एंड दिस विल बी विल गोना लुक अमेजिंग. जो भी हो यार, ये राइड का ये एक अलग मज़ा होता है कि यू कैन लाइक आपके खुद के हाथों में होता है कि आपको कब रुकना है, आपको कब नहीं रुकना है, आपको चलना है, तो ये सब आप डिसाइड करते हो यू नो व्हेन यू आर राइडिंग. एंड हम लोगों का डेस्टिनेशन, आज का डेस्टिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी वी आर लाइक हम लोगों ने ये इसलिए सेट किया है कि हम लोग घूमते हुए जाएंगे, ठीक है ना. बेसिकली यहाँ से हम लोग जहाँ पे थे धूपगुड़ी, वहाँ से भैरव कुंडा का एक शॉर्टर रूट भी है, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट क्योंकि हम लोगों को ये जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए जाना था एंड इन्जॉय करते हुए जाना था. सो दैट्स वाई वी टुक दिस रोड एंड दिस इज़ प्री डिसाइडेड एक्चुअली. एंड दिस होल क्रेडिट गोज टू रितिक, so he did this all route mapping and all. So yeah, I'm feeling good, so thanks to him. Guys, so we are just entering the Assam border, I mean we are crossing the Assam border. So this is a view you can see. Hold on, let me go up again. Yes. आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे हो यहाँ से, बट ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है. एंड ये सामने जा रहा है तमोजीत विद द एडवेंचर 390. एंड द थिंग इज, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग असम में अभी घुस चुके हैं, तो उधर जाके ही, आई मीन इधर में ही वी वॉन्ट टू यू नो रिफ्यूल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा पेट्रोल. सो अभी भी जा सकते हैं करीब 100 किलोमीटर के आसपास, बट रिफ्यूल करवा लेना चाहिए. सो या देखते कहीं पे अगर अच्छा कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ पे रिफ्यूल करेंगे, एंड वहाँ से जल्दी जल्दी निकल के वी विल हैव अवर लंच. लाइक आफ्टर लाइक 80 किलोमीटर्स हम लोगों ने ठीक किया है कि हम लोग लंच कर लेंगे. सो हम सब लोगों ने रिफ्यूल करवा लिया है एंड दिस रोड इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर. एंड सब लोगों, मतलब सॉरी, एक बंदे ने रिफ्यूल अभी तक नहीं किया है, तमोजीत, आई गेस वो 100 किलोमीटर बाद जाके रिफ्यूल करवाएगा. एंड स्टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग आवर लंच. अभी हम लोगों ने पेट्रोल पंप में ये डिसाइड किया है कि एक घंटा पूरा राइड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर, आई मीन वी विल डू अवर लंच. And you can see this road is looking amazing. सामने पहाड़ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन आप लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्की लग रहा है. So that's the thing. And yeah, we are going with a good speed. But मुझे जो लगता है कि हम रात के 10 बजे तक हम लोग शायद जाके पहुँचेंगे भैरव कुंडा, क्योंकि it's like a व्हाट कैन आई से, हमें हम लोग पूरा आसाम को, हमें पूरे आसाम को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो एकदम बॉर्डर में जाके हम लोग रुकेंगे, सो दैट हम लोगों को बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो. एंड पहले दो दिन में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके हम लोगों को घूमना भी है, लाइक एक्सप्लोर भी करना है, राइट. सो दैट इज़ द मेन थिंग. ओके, सो राइट नाउ वी आर क्रूजिंग इन अ रियली गुड स्पीड. एंड अभी हम लोग भूटान को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो बेसिकली ये जो हाईवे है,
इस हाईवे के ठीक बाएं तरफ भूटान है, ये ज़्यादा किलोमीटर्स भी नहीं है, यही पास में बॉर्डर भी है। एंड आई सॉ देयर आर अ फ्यू कार्स फ्रॉम भूटान। ये सामने एक आई गेस क्या बोलते हैं टोयोटा का एक गाड़ी जा रहा है, XUV दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम भूटान। एक ऑल्टो था दैट वॉज फ्रॉम भूटान। तो यहाँ पे भूटानीज रहते भी है शायद आई गेस। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ का लोगों का ना जैसे लड़कियों की इन लोगों की ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है। यू सी दैट, ये लोग साड़ी पहनी है लेकिन ये पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सो दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स विच आई नोटिस्ड इन हियर। तो राइट नाउ इट इज़ 3:56। ओके सो हम लोग ढाई बजे या फिर 2:45 में हम लोगों ने पेट्रोल पंप में रिफ्यूल किया था। सो ऑलरेडी एक घंटा तो हो चुका है, बट राइड करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि भूख भी नहीं लग रहा है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टिल ऑन द रोड, बट जल्दी करेंगे। आई हैव टू टॉक टू माई फ्रेंड्स क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत भूख लग रहा है अभी तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड यहाँ का व्यू भी बहुत मस्त है। एंड दिस रोड इज़ अमेजिंग मैन, दिस इज़ लाइक प्रिटी गुड, यू नो, एकदम स्मूथ वाला सीन है। एंड यहाँ का जो कर्व्स है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। सो या सो वी रीच्ड नियर बोंगाई गाँव एंड यहाँ पे हम लोग अभी लंच करने वाले हैं। आई कांट से इट्स अ लंच क्योंकि ऑलरेडी इट्स 4:00 इन द आफ्टरनून और एक घंटे के अंदर सूरज ढलने वाला है पूरा, क्योंकि अभी नवंबर का महीना बस शुरू ही होने वाला है। सो या कल रात को अच्छी तरीके से सब लोगों ने सो लिया था, तो दैट इज़ वाई आज किसी को उतना ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। बट वी टुक यू नो लाइक अननेसेसरी स्टॉप्स लाइक 1 or 2 आई गेस। आई मीन चलो यार, ग्रुप में जब ट्रैवल करते हो तो ये सीन तो होता ही है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एंड द थिंग इज़ अभी यहाँ पे खाएंगे एंड अभी भी यहाँ से करीब 209 किलोमीटर बाकी है। सो इट्स गोइंग टू टेक लाइक 6 hours मोर आई गेस। सो पता नहीं कितने देर तक वहाँ पे जाके पहुँचेंगे, बट इट्स गोइंग टू बी लेट एंड इट विल बी अनदर हेक्टिक डे। सो या बट कल हम लोगों को ज़्यादा किलोमीटर्स कवर नहीं करना है, बस 100 किलोमीटर का सीन है। तो आज जितना रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस होटल वाले को आई मीन जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं वहाँ पे बस फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि यार डिनर तैयार रखना, जाएंगे खाएंगे और फिर यू नो बस सो जाएंगे। सो दैट्स अ मेन थिंग। और या अभी यहाँ का लाइट बहुत खूबसूरत लग रहा है डेफिनेटली, बट आई कैनॉट टेक आउट माई DSLR क्योंकि वो एकदम पैक्ड अप है एंड आज इसको बाहर नहीं निकालेंगे। कल या फिर परसों से आई विल स्टार्ट यू नो सम टेकिंग सम लाइक सिनेमैटिक शॉट्स विथ माई DSLR। सो दैट्स ऑल अभी के लिए। पहले अभी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाना ऑर्डर किया गया है अभी तक, एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। ओके गाइज, सो राइट नाउ इट्स ऑलरेडी 6:00 इन द इवनिंग एंड we are starting from that dhaba towards bhairab kunda. to dekhte hain kitna time lagne wala hai, google mein to dikha raha hai kareeb 12 baj jayega. so let's see kya hota hai, but I guess this is going to be a fun ride in the night kyunki rasta to acha hi hai अभी तक एंड आई गेस कि अच्छा ही रहने वाला है। बस एक ही दिक्कत होने वाली है, जितना उधर जाएंगे उतना ठंडी बढ़ना चालू हो जाएगा। द वेदर इज़ गोइंग टू बी अ बिट मोर चिली। सो या लेट्स सी क्या होता है। बहुत लेट हो गया। सो द टाइम नाउ इज़ 6:45, तो 45 मिनट्स हो गया है चलाते। बट द थिंग इज़ हम लोगों ने ज़्यादा किलोमीटर अभी तक कवर नहीं कर पाए क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड रास्ता भी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट नाउ वी आर क्रूजिंग इन अ गुड स्पीड, बट ये शाम होने के बाद ही ना मेरे को थोड़ा बहुत नींद आना चालू हो गया है ये बाइक चलाते। सो
that is why it's like getting a bit tough for me, but chalo, it's okay, not a big deal. हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे. सो या एंड अनदर थिंग इज, आपको एक कंसंट्रेशन में आपको रात में चलाना पड़ता है. एंड ये जो गाड़ी का जो बैक लाइट्स होता है ना, एकदम रेड टाइप का, रेड कलर का, तो ये ना बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि ये नींद आने में और भी ज़्यादा हेल्प करता है. यू नो, आप कॉन्स्टेंटली अगर उसी तरह देखते रहते हो तो इट सीम्स लाइक ओके. मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई रुक गया है, नहीं नहीं कोई नहीं रुका है. हाँ, तो ये जो छोटे छोटे जो रेड लाइट्स हैं, जब आपको नींद आती है तो ये और भी ज़्यादा मदद करता है आपको नींद आने में. सो दैट इज़ द थिंग. और ऊपर चंद्रमा इज शाइनिंग प्रीटी ब्राइट एंड हवा भी अभी ठंडा ठंडा हो गया है इधर. मेरे सारे दोस्त लोग आगे चल गए हैं, बट मैं थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग मच स्ट्रेस अबाउट देम. आई मीन मैं ये भी स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ कि हमको इसी टाइम के, इसी टाइम बाउंड के अंदर हमको पहुंचना है. हम ऐसे सोच के चला रहे हैं, मैं ऐसे सोच के चला रहा हूँ कि हाँ पहुंचेंगे, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, बस चलाते रहो धीरे धीरे आराम से. दैट इज़ बेटर, यू नो, स्लो बट स्टेडी. ओके गाइस, सो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जैम हुआ है, आई मीन ट्रैफिक जैम. सो इसीलिए मैं कैसे भी करके एकदम लेफ्ट हैंड साइड से कैसे भी करके खुद को निकल रहा हूँ. लेट्स सी ऐसा कितना देर तक चलता रहेगा. मेन रोड पे उठ ही नहीं पा रहा हूँ. लेट्स सी क्या होता है. चलो कैसे भी करके उठ गया. यहाँ का रास्ता भी यार बहुत ख़राब है. लेट्स सी. एंड बहुत ज़्यादा ये है डस्ट, बहुत ज़्यादा है. ओके, इधर से इधर ही जाना पड़ेगा. ओके, एंड आई डोंट नो वेयर आर माई फ्रेंड्स. लेट्स सी. ओह गॉड मैन, ठीक है मिल लेंगे सामने जाके एक बार. आई GPS चेक कर लेंगे थोड़ा सा और चलने के बाद. मुझे लगता है कि दिस इज़ अ मेन रोड. ओके, एंड हाँ, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, तो उसके बहुत ही पास है हम लोग. करीब यहाँ से 22 किलोमीटर्स के आसपास साइन बोर्ड था. ओके, नहीं GPS एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके गाइस, सो राइट नाउ इट इज़ या मैं बस चेक कर रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. अभी नींद वींद सब कुछ मेरा उड़ गया है आफ्टर दैट बिग ट्रैफिक जैम. उसके बाद सब लोग इधर उधर हो गए थे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. अभी कैसे भी करके हम सब लोग मिल चुके हैं फिर से एक दूसरे के साथ. वो जो टूटा हुआ जो एक ये होता है ना क्या बंधन, तो वो अभी फील कर रहे हैं सब लोग. सब लोग एक साथ मिल के हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने ये वादा किया है कि और कभी भी ऐसे जुदा नहीं होंगे. ठीक है, सो राइट नाउ वी आर राइडिंग टुगेदर एंड स्टिल नाउ वी हैव टू कवर 135 किलोमीटर्स इन ऑल टोटल. एंड टाइम दिखा रहा है 11:58 PM. ओके, सो अभी भी हम लोगों ने चाय वाय कुछ नहीं पिया है. ये पता नहीं क्यों फिर से रुकने का, ये क्या रुकना चाह रहा है. हाँ आई गेस, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन.
चलो अगर कोई एक बंदा रुकेगा तो सब कोई रुकेगा. स्टिल रितिक इज़ मिसिंग. आई डोंट नो दे फाउंड देम और नॉट. मैं बस ऐसे ही यू नो चल रहा हूँ. अच्छा लग रहा है दोस्त लोगों के साथ ऐसे रात में राइड करना. बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में. सो या अभी जहाँ कहीं पे भी हम लोग रुकेंगे वहाँ पे रुक के भाई यार चाय वाय पियेंगे. अगर मन से अगर सॉरी मन से बोल रहा हूँ दिल से. मन से अगर बोला तो ये बंगाली वाला वर्शन हो जाएगा ना. सो दिल से अगर मेरे को चाहेगा तो हम करेंगे. अपना कैमरा निकालेंगे. निकाल के हम व्लॉग करेंगे ज़रूर. अगर नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे. ठीक है. लेकिन अभी द सीन इज रास्ते पे बहुत सारा लॉरी है ट्रक्स. सो दैट्स अ प्रॉब्लम आई गेस. एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रक्स वी आर लूजिंग आवर कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. ओके आई बात समझ में. ओह माय गॉड देखा गड्ढा देखा भैया. या शाम का गड्ढा ये ऐसा होता है ना पिछवाड़ा सुन हो जाता है. अरे मिक्स की माँ का. सॉरी 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 सॉरी. गाली नहीं. अरे 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 अब देखो भैया ऐसे तो निकल जाएगा. गाली निकल रहा है मुंह से निकल रहा है. ओह गॉड यार. ठीक है चलो कोई नहीं धीरे धीरे चलाते. देखा बंधन देखा सामने दो जा रहा है पीछे हम दो जा रहा है और एक पता नहीं कहाँ पे है ढूंढ रहा है शायद. बस ये ब्रिज खत्म हो जाए यार भैया जल्दी से. बस खत्म हो गया. अभी चलो फिर मिलते हैं कहीं पे. ठीक है लेट्स सी क्या होता है आज. ये आज का रात थोड़ा सा एडवेंचरस हो रहा है. ओके सो एज यू कैन सी वी ऑल आर प्रीटी मच टायर्ड. त्रिशित का हाल कुछ ज़्यादा ही खराब है. सो दैट इज़ व्हाई ही इज स्लीपिंग राइट नाउ. ही इज काइंड ऑफ डेड. And yeah, this all guys, they are changing. Rohit is cleaning up some helmet visors. Tomojit is, I don't know what is he doing. तो हम लोग यहाँ पे करीब 12:30 बजे तक पहुँच चुके थे. And अभी अभी हम लोगों ने अपना dinner complete किया है. And now it's time to sleep. And yeah, उस जो traffic jam वाला जो road था उसके बाद आई रियली डिडंट फील दैट मेरे को और वीडियोज़ बनाना चाहिए. अगर बनाता तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता. बट आई एन्जॉयड दिस राइड अ लॉट क्योंकि उसके बाद जो जो कांड यहाँ पे हुआ है वो क्या बताए. एंड इट वॉज लाइक अ हेल ऑफ अ राइड. एंड आई रियली कांट यू नो शेयर दैट एक्सपीरियंस यू नो यू गाइज कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट वॉट आई हैव एक्सपीरियंस इन हियर. सो डेफिनेटली वो एक अलग ही माहौल था जब जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे थे. एंड एकदम पूरा अंधेरा था. एंड उसके अंदर से हम लोग आ रहे थे. आसपास जंगल भी था. सो इट वाज अमेजिंग. सो या ये पूरा यादगार रहने वाला है मेरे लिए. एंड वी ऑल एन्जॉय दैट राइड. ओके बट या आई टुक सम वीडियोज़ ऑन दैट टाइम. सो आई विल शेयर those videos with you like small glimpse you can say. Yeah and aur kuch bolne ka bhi mood nahi hai. I'm still on that zone jab main ride kar raha tha. And yeah abhi bas main sona chahta hu. And usko fir se recall karna chahta hu apne dimag mein. So that is it. And milte hai kal. And tomorrow we are entering Arunachal Pradesh. And tomorrow's destination is Dirang. So yeah. Peace and good night.